गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मेकअप रिव्यू आपके लिए। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये लिक्विड लिपस्टिक्स जो कि ब्लू हेवन से है। ये है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर जो कि बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। एंड ये आपको इस वक्त नायका पे सेल में मिल जाएगी 92 रुपीज़ में। वैसे इसका प्राइस है 105। मैंने अमेजोन से बाई की हैं। मैं आपको नायका का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पर सेल चल रही है। तो गाइस, सबसे पहले तो आते हैं इसकी पैकेजिंग पे। तो ये आप पैकेजिंग आप देखिए, इसकी बहुत ही स्टर्डी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही लीक प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत स्मूथ है, डॉल फुट एप्लीकेटर है। 100 से नीचे के प्राइस में आपको हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं इसकी पैकेजिंग और सब में। सब बहुत ही नॉर्मल जैसे एक लिक्विड लिपस्टिक होनी चाहिए बिल्कुल वैसे है। बहुत ही इसका एक ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है और थोड़ी सी पीछे से दबी हुई है जो कि अच्छी लगती है देखने में। तो गाइस, चलिए स्वैचेस शुरू करते हैं इसके। तो सबसे पहला जो स्वैच है वो मैं ये कर रही हूँ आपके लिए, शेड नंबर 11 का। और गाइस, बिलीव मी, ये सबसे प्रीटी कलर है इन सब में से। ये आपका जो शेड है ये थोड़ा सा मॉवी न्यूड शेड है। तो ये आपका फेयर स्किन टोन से लेकर डीपर स्किन टोन्स सबके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। ये आपके फेस को वॉश आउट नहीं करता है, बहुत ही अच्छा न्यूड कलर है फॉर इंडियन स्किन टोन्स। एंड ये देखिए, ये मेरा फेवरेट 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 शेड है इन सब में से। एंड मैं तो आपको कहूँगी कि ये एक शेड ज़रूर बाय कीजिएगा अगर आप सोच रहे हैं बाय करने की। बहुत ही प्यारा क्यूट सा शेड है और न्यूड मॉवी शेड है। गाइस, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है, बहुत हैवी नहीं है इसका टेक्सचर, लाइट सा लिपस्टिक है, लिक्विड एकदम थोड़ा पतला लिक्विड है ये। तो सेकेंड शेड जो मैं यहाँ पे स्वैच कर रही हूँ वो है शेड नंबर 10 जो कि थोड़ा सा पिंकी रेड टाइप का शेड है। ये भी बहुत प्यारा लगता है। अभी देखिए, मैं इसको स्वैच करूंगी। ये थोड़ा सा बेबी पिंकी रेड टाइप का, मतलब पिंक और रेड का मिक्सचर, मतलब रेड जो है कलर वो ज्यादा इसमें शो हो रहा है, बट थोड़ा सा पिंक का ह्यू मिलता है आपको इसमें। बट ये भी बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ज्यादा बोल्ड शेड है जो आप यूज़ कर सकती हैं कभी भी पार्टीज़ में एंड या फिर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं। गाइस, इसकी स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छी है। ये मतलब मेरे लिप्स पे ऑलमोस्ट रात तक रहता है, बीच में से हल्का ये शेडिंग हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको शेड बता रही हूँ, ये है शेड नंबर 08। ये बहुत ही क्यूट बेबी पिंक नहीं कह सकते इसको, मतलब पिंक, प्योर पिंक जो होता है वो शेड है ये। इसमें ना रेड का ह्यू है, किसी चीज़ का ह्यू नहीं है, ये प्योर पिंक शेड है। बहुत ही क्यूट शेड है, आप इसे कॉलेज लगा के जा सकती हैं। ये लाइक गर्ली शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं शेड स्वैच कर रही हूँ वो है शेड 02। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडियन रेड, जिसमें आपको जब ये सूख जाएगा ये वाला शेड रेड वाला, तो उसके बाद आपको उस पर गोल्डनिश एक लेयर सी दिखेगी जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। एंड ये बहुत ही सुंदर इंडियन रेड शेड है। गाइस, ये फॉर्मूलाज लाइक थोड़े रनी टाइप के हैं, तो अगर आप परफेक्ट नहीं हैं लिक्विड लिपस्टिक्स लगाने में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये चारों शेड्स हैं जो रेडिश पिंकिश शेड्स हैं और वो मॉवी सा न्यूड सा शेड है, बहुत ही प्यारा है। तो अब ये जो डार्कर शेड है ये है शेड नंबर 12। ये आपका डार्क कॉफ़ी ब्राउन शेड है। गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लगाने में, थोड़ा सा पैची कई बार हो जाता है, बट अगर आपको लगाना आ जाए, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको लगाना आ जाए अच्छे से तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मैंने एक पिक शेयर की थी आप लोगों के साथ अपनी YouTube पे, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दिए थे, उसमें मैंने यही लिप पेंट लगाया था। बहुत ही अच्छा लगता है, बोल्ड सा है, बहुत प्यारा है। बस आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इन लिपस्टिक्स के साथ, आपको ये थोड़ा पैची हो जाता है, बट अगर आप अच्छे से लगाएंगी तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे स्वैच अच्छे से नहीं दे पा रही थी,
बिकॉज मुझे कैमरा के साथ करना था, बट लिप्स पे ये बहुत अच्छे से जाता है, अगर आपको लगाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी फाइन लाइंस में भी सेटल नहीं होता है। तो लास्ट जो शेड है वो यहाँ पे है, ये है आपका शेड नंबर 07 जो कि डीप मरून शेड है, ब्रिक शेड इसे बोल लीजिए आप, और ये भी सेम उसी डार्क शेड की तरह जो कॉफ़ी शेड है, थोड़ा सा पैची चला जाता है ये स्किन पे, बट आप उसको अगर आराम से लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट इसके सारे शेड्स मैंने यूज़ किए हैं, मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, ये आपके लिप्स पे 6 से 7 घंटे आराम से रहेंगे, आप खाइए पिए जो मर्जी कीजिए, खाने पीने के बाद हल्का सा टचअप आपको चाहिए, ये बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स पे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आपके लिप्स पे बहुत ही अच्छे हैं गाइस, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई शेड इसमें से पसंद आ रहा है, स्पेशली दैट शेड नंबर 11। तो ये थे सारे शेड्स, आप अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं आपको इसके बाद इसका टेस्ट भी दिखाती हूँ कि इसको पानी के अंदर मैं इसको टेस्ट आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्टेइंग पावर कैसी है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, लिप्स पे रहते हैं रात तक, आपके लिप्स पे एक हल्का सा टिंट रहता है लिपस्टिक का, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये स्मज प्रूफ है। अभी एक्चुअली इसको सेटल होने में, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसे सेटल होने में 15 मिनट लगेंगे, ये एकदम से 5 मिनट्स में आपके लिप्स पे सेटल हो जाएंगे, बट इसे पूरी तरह से यू नो फुल प्रूफ यू नो स्वैच प्रूफ स्मज प्रूफ होने के लिए इसे 15 मिनट्स दीजिए, उसके बाद ये टोटली स्मज प्रूफ हो जाते हैं, आप कुछ भी कीजिए, कितना भी उस पर आप अपनी उंगलियां फेरिए, ये नहीं आपके स्मज करेंगे बिल्कुल भी। ये शेड्स अभी गीले हैं तो इसलिए मैं आपको स्मज नहीं करके दिखा रही हूँ, इनको अभी टाइम लगेगा, 15 मिनट में ये बिल्कुल स्मज प्रूफ हो जाते हैं। तो ये थे सारे स्वैचेस गाइस, अभी अब इसके बाद आप देखिए इसका पानी में इसका वेयर टेस्ट देखिए कि कैसे ये बिहेव करता है पानी के अंदर, मैं इसको पूरा पानी के साथ डिप करके दिखाऊंगी। तो एट द एंड मतलब एक बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है, आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए गाइस, ये अब पानी के अंदर मैंने अपना पूरा हाथ डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से यू नो रब करूंगी और देखते हैं ये कितनी देर तक इसमें टिका रहता है। अभी मैं इसे और अच्छे से रब करूंगी गाइस, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अफोर्डेबल है। मेरे पास ऐसा बहुत सा मेकअप पड़ा है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट रिव्यू वीडियो है, तो बताइएगा अगर कुछ कमी लगी हो तो ज़रूर आपके कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए गाइज, ये ऐसा पानी में अच्छे से इसे रब करने के बाद भी ये ऐसे आपके उस पर टिके रहते हैं लिप्स पे। इसको आपको मेकअप रिमूवर या किसी ऑयल से उतारना पड़ेगा पूरी तरह से, अगर आप उतारना चाहते हैं इसे तो। तो ये था मेरा रिव्यू, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड कोई कमी हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।